अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक एजुकेशन के स्लोगन सीखो और सिखाओ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आपके साथ एक्सेल का एक फंक्शंस एडवांस फिल्टर्स की बात करने लगे हैं, लेकिन उससे पहले वो दोस्त जो इस वीडियो को शायद सोच रहे हैं कि फिल्टर्स और एडवांस फिल्टर एक ही चीज है, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, क्योंकि ये बात ध्यान में रखिएगा कि किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर एक ही ऑप्शंस को दो मुख्तलिफ नामों से नहीं रखा जाता। तो अक्सर दोस्त कौन सा है वो इस होम ऑप्शंस में मौजूद फिल्टर्स को और डेटा ऑप्शंस में मौजूद एडवांस फिल्टर्स को एक ही चीज समझते हैं, तो दोनों में फर्क है। लेकिन अगर आप इस फर्क को नहीं जानते तो इस वीडियो को देखें। ये जो फिल्टर्स है इसके लिए मैं यहां ब्रीफ नहीं करूंगा, ये मैं इससे पहले जो सा है वो अपनी वीडियो में शेयर कर चुका हूं, जिसका लिंक जो सा है वो ऊपर मौजूद आई कार्ड्स को क्लिक करने पर आपको मिल जाएगा, उसे आप क्लिक करके देख सकते हैं। यहां मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ जो सा है वो एडवांस फिल्टर्स की बात करूंगा। तो मैं पहले थोड़ा सा आपको इस शीट का एक हवाला देता जाऊं ताकि आपको क्लियर हो कि एडवांस फिल्टर्स क्या काम कर रहा है। इस शीट के अंदर बेसिकली हमने एक कंप्यूटर्स कॉलेज के 6 स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, जिसमें रोल नंबर्स लिखे हुए हैं, बच्चों के नाम है, वो किस कोर्स में है, ये ITV 3 मंथ है और ITV 4 मंथ में है, उनके वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के मार्क्स और उनकी एवरेज है। ये वो टोटल शीट है जिसमें बच्चों का रिकॉर्ड है, और ये बेसिकली हमने उस शीट में से वो क्राइटेरिया कॉल किया है जो हम तलाश करना चाहते हैं। अब यहां पर मैंने जो है ये सारी फील्ड लिखी है और फिर साथ जो है वो मैंने यहां पर नाम लिखा है कि मुझे ITV 3 मंथ के स्टूडेंट्स चाहिए। तो अब ये है कि हम इसे ऑपरेट करने लगे हैं, तो डाटा की ऑप्शंस में आकर हमने एडवांस्ड को क्लिक किया, तो एडवांस्ड के अंदर दो ऑप्शंस आ रही हैं। सबसे पहली ऑप्शन जो हमारे पास आ रही है, इसमें हमारे पास मेंशन किया हुआ है कि फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। तो अगर आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो जो ये शीट आपको नजर आ रही है वो इसी के अंदर डाटा को हाईलाइट कर देगी। जबकि दूसरी ऑप्शन आ रही है कॉपी टू अनदर लोकेशन, तो अगर आप इस हिस्से से डाटा रेंज से बाहर शीट या किसी दूसरे हिस्से पे उसे प्रिंट करना चाहते हैं तो इसकी मदद से आप उसे वहां पर प्रिंट कर सकते हैं। तो आए इसे ऑपरेट करते हैं। यहां पर आकर मैंने सिलेक्ट किया है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, ये पहली ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। अब इसके बाद मेरे पास यहां पर जो है वो लिस्ट रेंज आ रही है, तो मैं यहां पर इस बने हुए इस एरो साइन को क्लिक करता हूं और पूरी शीट की रेंज जिसमें डाटा लिखा हुआ है, इसमें फील्ड नेम्स को भी बीच में शामिल कर रहा हूं, ये मैंने रेंज बताई। अब मुझे यहां दूसरा है क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया रेंज पर आकर मैंने ये फील्ड नेम भी बताए और वहां पर आकर जो सा है वो मैंने साथ साथ वो डाटा भी बताया जो मैं तलाश करना चाहता हूं। तो अब इसमें जो सा है वो हमने कहा कि कोर्स ITV 3 मंथ का जिनका है वो सर्च करे, तो ये सिलेक्ट करने के बाद हम ओके का बटन प्रेस करते हैं। यहां पर मैंने फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस को सिलेक्ट किया है तो वो इसी शीट के अंदर से उसे हाईलाइट कर देगा। और अब आप ये देखें कि आपके पास यहां पे रोल नंबर 3 है, 5 है, 4 मिस हो गई है, 6 मिस हो गई है। अब ये जो 4 और 6 मिस हुई है उसमें बेसिकली ITV 4 मंथ का रिकॉर्ड था, तो यहां पर आकर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास उन स्टूडेंट्स का डाटा शो हो रहा है जो ITV 3 मंथ के हवाले से थे। अब मैं दोबारा इसे ऑपरेट कर रहा हूं और इस बार हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, हमने यहां पे ये क्राइटेरिया रखा है कि हमें उन लोगों का रिकॉर्ड चाहिए जिनके मार्क्स हमारे पास पावर पॉइंट्स के अंदर हो जाएं, वो हम कह रहे हैं कि हमें चाहिए 70 से अबव चाहिए, तो अब ग्रेटर देन 70 कर दिया। आप इस तरीके से चाहें एक सेल पे कंडीशन लगाना चाहते हैं, दो सेल्स पे लगाना चाहते हैं, तीन पे या सब पे लगाना चाहते हैं, वो आप सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहां पे कहा कि हमें ITV 3 मंथ के उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए जो 70 से अबव है। अब ये ITV 3 मंथ है, ये 78 है, और ये ITV जो है ये 98 है, बाकी हमारे पास जो है वो नहीं है। तो अब ये देखना चाहते हैं कि ITV के वो स्टूडेंट जो 70 से अबव पावर पॉइंट पे मार्क्स रखते हैं उनका डाटा हमें इस हिस्से पे प्रिंट करवाना है। तो इसे ऑपरेट करने के लिए डाटा की ऑप्शंस के अंदर आकर हमने एडवांस को क्लिक किया। अब ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूं कॉपी टू अनदर लोकेशन, तो हम इस हिस्से में नहीं रखना चाहते, उसे किसी दूसरे हिस्से में प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमने यहां पे ऑप्शन सिलेक्ट किया कॉपी टू अनदर लोकेशन। अब ये कॉपी टू से ये फिल्टर्स पे ये वाली रेंज जो सी है कॉपी टू की ऑन नहीं होती, ये तब ऑन होगी जब कॉपी टू अनदर लोकेशन सिलेक्ट किया। लिस्ट रेंज में आकर आप पहले वही सारी शीट की रेंज देंगे
जिसमें फील्ड नेम्स का और उसमें मौजूद डाटा का होना लाजमी है क्योंकि हम उसी की बेस पे सर्च कर रहे हैं। फिर दूसरे स्टेप पे जो उनसे क्राइटेरिया रेंज, इसमें आपने फील्ड नेम्स को और उसके अंदर जो आपने क्राइटेरिया लिखा है उन दोनों को आपने सेलेक्ट करना है, वो रेंज देनी है। और फिर जो आपके पास कॉपी टू है इसमें आपने क्लिक करके सिर्फ स्टार्टिंग सेल की रेंज बतानी है जहां पर आप डाटा चाहते हैं। इसके बाद आप जैसे ही ओके का बटन प्रेस करेंगे तो ये इसने हमें बता दिया कि हमारे पास, हमने 70 से अबव कहा है तो एक हमारे पास बाबर साहब हैं आईटीबी 3 मंथ में जिनके 78 मार्क्स हैं और दूसरे हमारे पास इब्राहिम साहब हैं आईटीबी 3 मंथ के जिनके 98 मार्क्स हैं। तो एडवांस फिल्टर्स ने बेसिकली ये किया कि हमारे उस कामों को हमारे एक से ज्यादा क्राइटेरियाज पर क्लिक करके खुद ही सर्च करके हमें उसका जवाब दे दिया। तो फिल्टर्स भी डाटा सर्च करता है लेकिन उसके ऑपरेट करने का तरीकाकार कुछ और है और उसके रिजल्ट का तरीकाकार कुछ और है, जबकि एडवांस फिल्टर्स के अंदर हमारे पास जो सा है वो व्यू अपनी मर्जी से उसका 100% चेंज है। वीडियो को अच्छा लगने पर दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर कुछ हासिल किया आपने इस चैनल से, इस वीडियो से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।